नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एस्ट्रोपोरल के इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे लहसुन या रत्न की। लहसुन या रत्न को काफी अलग नामों से भी जाना जाता है। कुछ लोग इसे सूत्र मणि बोलते हैं, केतु रत्न बोलते हैं और इसे इंग्लिश में कैट आई बोलते हैं। जब आप इस रत्न को देखेंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि ये बिल्ली की आंख जैसा है, इसी वजह से इसे कैट आई भी बोला जाता है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि इसे केतु रत्न भी बोलते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि ये केतु ग्रह को रिप्रेजेंट करता है। अगर किसी की कुंडली में केतु ग्रह का प्रभाव अच्छा ना हो, उस टाइम पर एस्ट्रोलॉजर जो है वह लहसुनिया पहनने की सलाह देते हैं। दोस्तों, आप लोगों ने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि इस चैनल के ऊपर हम इस तरीके के वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। जब आप लहसुनिया रत्न पहन रहे हो तो इससे पहले उसकी टेस्टिंग जरूर कर लें, उसके प्रभाव भी देख लें, क्योंकि ये बेहद ही प्रभावशाली रत्न है। जब इसे धारण किया जाता है तो जातक की जो है सौभाग्य में वृद्धि होती है, दुख और दरिद्रता जो है वह दूर हो जाती है। इसे धारण करने से बुरे सपने आना बंद हो जाते हैं। अगर किसी को लगता है कि उसके ऊपर काला जादू किया है तो उसका प्रभाव भी कम होने लगता है या फिर खत्म हो जाता है। इसे धारण करने से इंसान के अंदर आत्मविश्वास आता है, उसकी शरीर की दुर्बलता जो है वह दूर हो जाती है। और कुछ एस्ट्रोलॉजर का ये मानना है कि अगर इस रत्न को धारण किया जाए तो सांसों से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं वह भी ठीक हो जाती है या उनमें इम्प्रूवमेंट होता है। आप लहसुनिया रत्न को सोने या चांदी की अंगूठी में बनवा सकते हैं और इसे सोमवार के दिन धारण किया जाता है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये बेहद ही प्रभावशाली रत्न है, इसीलिए इसे धारण करने से पहले एस्ट्रोलॉजर की सलाह जरूर लें और यह पता करें कि आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति क्या है और आपके लिए कौन सा रत्न पहनना लाभकारी रहेगा। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में अटक गए हैं, समस्याओं का समाधान नहीं कर पा रहे हैं, जीवन में प्रश्नों का जवाब नहीं मिल रहा है, काम करते हैं लेकिन रिजल्ट नहीं मिलता और आपका मन काम करने के लिए नहीं करता और आपका मन कर रहा है कि आप कोई रत्न पहने, तो आप एस्ट्रोफोरल के एस्ट्रोलॉजर से बात कर सकते हैं, अपने ग्रहों की स्थितियां जान सकते हैं, जिससे कि आपको पता चल जाए कि इस समय आपको कौन सा रत्न पहनना लाभकारी रहेगा। जब आप एस्ट्रोफोरल के एस्ट्रोलॉजर से बात करते हैं तो आपको उपाय के साथ आपके सभी प्रश्नों के जवाब। चलिए दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे लहसुनिया रत्न की, जिसे इंग्लिश में कैट्स आई बोलते हैं, जो कि बिल्ली की आंख की तरह होता है, इसीलिए इसे कैट्स आई बोला जाता है। दोस्तों, जिन लोगों का केतु ग्रह खराब होता है या केतु ग्रह प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा होता तो एस्ट्रोलॉजर जो है वह कैट्स आई पहनने की सलाह देते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ एक कैट्स आई लगा रखे हैं सीक्वेंस के अंदर, तो इनकी प्राइस जो है वो पता करते हैं। ये सबसे सस्ता होता है, ये सबसे ज्यादा महंगा है, तो ये जानेंगे कि ये सस्ता क्यों है और ये महंगा क्यों है। दोस्तों, अगर इसकी बात करें तो ये सिंथेटिक है, देखने में बड़ा ही सुंदर है, इसकी एज जो होती है बड़ी ही स्मूथ होती है, लेकिन ये सिंथेटिक है। इस तरीके का कभी भी रत्न पहनना नहीं चाहिए। बहुत सारे लोग ये बेचते हैं क्योंकि ये सस्ता बहुत आता है। दोस्तों, आपको जब भी रत्न पहनना है तो इस तरीके का रत्न पहनना है। इसकी अगर बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे एज जो है उतनी स्मूथ नहीं है और यहाँ पे डार्कनेस भी कम है, लेकिन ये पत्थर है तो जब इसकी कटिंग होती है तो यहाँ पे आपको लाइनें दिखेंगी। इसी से पता चलता है कि ये ओरिजिनल कैट्स आई है, यानी कि लहसुनिया है। अगर हम इसकी बात करें तो ये इससे थोड़ा महंगा है, देखने में छोटा है, बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन इसकी भी जो एज है वह प्रॉपर नहीं है, इसीलिए सस्ता होता है। लेकिन ये पत्थर है, अगर इसे पीछे पलट करके आप देखेंगे तो आपको एजेस नजर आएंगी, इसी से पता चलेगा कि ये ओरिजिनल है। अगर हम इसकी बात करें तो ये थोड़ा सा महंगा होता है, लेकिन इसके पत्थर की बनावट बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन इसकी एज जो है यहाँ पर वो उतनी स्मूथ नहीं नजर आ रही है, लेकिन पत्थर काफी खूबसूरत है देखने के अंदर। और इसे पीछे पलटे तो आपको यहाँ पे क्रैक्स नजर आएंगे जो कटिंग के दौरान बनते हैं, इसी से पता चलता है कि ये ओरिजिनल पत्थर है। दोस्तों, अब हम इसकी बात करते हैं, ये सबसे एक्सपेंसिव है मेरे पास। इसकी एज देखिए बहुत ही स्मूथ बन रही है, इसके कॉर्नर से डार्कनेस होगी, ठीक है, ये ऊपर बढ़ते बढ़ते ग्रीन कलर में कन्वर्ट हुई और यहाँ पे जो है वो क्रीम कलर की एक लाइन बन रही है, तो इसी से पता चलता है कि ये काफ़ी अच्छा स्टोन है। और यहाँ पर आपको इसके कटिंग्स भी नज़र आएंगे तो इससे पता चलता है ये बिल्कुल ओरिजिनल है, तो इसी से इसका प्राइस डिफाइन होता है। तो ये सबसे एक्सपेंसिव वन है, ये सबसे चीप है, लेकिन ये नहीं पहनना क्योंकि ये सिंथेटिक है।
दोस्तों, आप चाहें तो लहसुन या रतन की पहचान एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, उससे लाइट को जो है वह क्रॉस करा करके। तो अगर मैं इस रत्न को यहाँ पे रखता हूँ किस तरीके से, तो इसकी लाइट जो है वह क्रॉस होनी चाहिए। तो मैं स्टूडियो की लाइट भी कम करता हूँ जिससे आपको पता चलेगा। देखिए, लाइट एकदम क्रॉस हो रही है और इसी की जगह पर हम दूसरा रत्न लेते हैं, ये वाला, और इसे इस लाइट पे रखते हैं। तो इसका रिजल्ट देखिए, देखिए बिल्कुल लाइट जो है वह ब्लॉक हो गई है। तो इससे पता चलता है कि ये ओरिजिनल है या नहीं, क्योंकि ये प्रॉपर पत्थर है, तो पत्थर से लाइट जो है वह क्रॉस नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि अब आप लोग समझ गए होंगे कि लहसुन या रत्न किस तरीके से खरीदना चाहिए। यदि आप हमसे लहसुन या रत्न खरीदना चाहते हैं तो दिए गए फ़ोन नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं। और आप अगर ये जानना चाहते हैं कि आपके लिए कौन सा रत्न पहला लाभकारी रहेगा, तो इसके लिए भी आप हमारे एस्ट्रोलॉजर से अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। एस्ट्रोफोरोल से स्टोन लेने के हैं सिंपल से 7 स्टेप। स्टेप नंबर 1, कॉल करें या व्हाट्सएप करें। स्टेप नंबर 2, अपनी प्राइस रेंज बताएं। स्टेप नंबर 3, उसके बाद हम प्रोडक्ट्स की पिक्चर्स आपको व्हाट्सएप कर देंगे। स्टेप नंबर 4, अपने स्टोन का सिलेक्शन करें। स्टेप नंबर 5, उसके बाद उसी स्टोन की फ्रंट और बैक पिक्चर हम आपको व्हाट्सएप करेंगे। जब आप स्टोन सेलेक्ट कर लेंगे तो स्टेप नंबर 6, डिजिटल पेमेंट करें, पेटीएम, गूगल पे, फोन पे या ऑनलाइन। स्टेप नंबर 7, हम आपको सेम स्टोन कुरियर कर देंगे विद ट्रैकिंग नंबर के साथ, जो कि आपके पास 3 से 5 दिन के अंदर पहुंच जाएगा।